हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको रोबो 3T करके जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे डाउनलोड करना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका एक जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल है जिसका यूज मोंगो डीबी के साथ किया जाता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाके रोबो 3T लिखना है, एंटर दबाना है। पहले वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। इसका नाम पहले रोबो मोंगो हुआ करता था, तो हम लोग इसको वेबसाइट को ओपन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोबो 3T पे क्लिक करना है। इसका एक स्टूडियो 3T करके भी आता है लेकिन वो जो है फ्री नहीं है, ये आपका ट्रायल वर्जन होगा और फुल वर्जन के लिए आपको पैसे देने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे रोबो 3T पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड इस पर क्लिक कर देंगे। फिर जो आपसे ये पूछेगा रोबो 3T पे डाउनलोड पर फिर से क्लिक करिए। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक पोर्टेबल वर्जन है और एक है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे 64 बिट पर, और जो हम लोग का जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा। इंटरनेट से जिस भी फोल्डर के अंदर आपने रोबो 3T का सेटअप डाउनलोड किया, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है। सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। वेलकम वाला विंडो आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, जो है वही रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही देर में रोबो 3T आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपके सामने कंप्लीटिंग वाला विंडो आपके सामने बन के आएगा। अगर आप ये चाहते हैं फिनिश वाले बटन पे क्लिक करते ही रोबो 3T आपके कंप्यूटर पर रन होके आ जाए, तो रन रोबो 3T पर जो टिक मार्क लगे रहने दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो टिक मार्क हटा के फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप रोबो 3T को रन करेंगे पहली बार, तो आपके सामने ये एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट का भी ऑप्शन आएगा। इसमें से आपको आई एग्री पे जो है रेडियो बटन के द्वारा सेलेक्ट करना है, और फिर जो है आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। आपके सामने ये थैंक यू फॉर चूजिंग रोबो 3T वाला ऑप्शन आएगा। इसमें कुछ आपको नाम पूछेगा, ईमेल पूछेगा, तो ये सब आपको खाली छोड़ के सीधे फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है। रोबो 3T का काम जो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम लोग जो है रोबो 3T करके जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, उसे हम लोग रन करके देखेंगे और उसके अंदर से मोंगो डीबी से कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करेंगे। और मोंगो डीबी जो है मैंने पहले से अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रखा है। ये करने के लिए आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पे आपको रोबो 3T लिखना है, एंटर दबाना है। फिर आपके सामने सबसे पहले ये वाला जो है विंडो बन के आएगा और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे रखा मोंगो डीबी ट्यूटोरियल मैंने नाम रख दिया। एड्रेस क्या रखना है, लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर जो दिया हुआ वही आपको रखना है। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन है, ये है SSL है, ये सब चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ये चीजें भर दिया। फिर आपको यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक करना, लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट पर जो है क्लिक करेंगे। तो ये देखिए टेस्ट पर क्लिक करते आपको पता चल जाएगा सब कुछ ओके है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए मोंगो डीबी से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, इसे हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद आप अपने मोंगो डीबी पर राइट क्लिक करिए, ओपन शेल करिए। यहाँ पर जाकर आप जो है शो डीबीज लिखिए। इस वाले कमांड की मदद से क्या होगा कि आपके मोंगो डीबी में जितने भी डेटाबेस मौजूद है उनका नाम जो है आपके सामने आ जाएगा। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करना, और ये देखिए करते ही आपके कमांड के एग्जीक्यूट हुआ, कौन कौन से डेटाबेस मौजूद है उनका नाम आपके सामने इस तरीके से आ गया। अब इस कनेक्शन को अगर आपको क्लोज करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे डिसकनेक्ट पे क्लिक कर दिए, कनेक्शन क्लोज जाएगा। यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे तो आपको कनेक्शन जो दोबारा से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और कनेक्शन अगर आपको बनाना हो तो क्रिएट पे क्लिक करिए, कनेक्शन आप बना सकते हैं। तो हम लोग इसे जो है क्लोज कर देते हैं। अब इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।